नमस्कार प्रिंसिपल साहब. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्कार कपूर साहब. आप रोटरी वाले हमारे बच्चों के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभार. अरे प्रिंसिपल साहब शर्मिंदा मत करें. बच्चे आपके या हमारे नहीं होते. बच्चे तो सिर्फ बच्चे होते. चलिए बहुत काम करना है जी. आई आई प्रिंसिपल साहब सबसे पहली चीज़ है पानी. पानी नहीं है तो कुछ नहीं है. अब स्कूल में पानी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा और कैसे साफ किया जाएगा, आप और हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब जी सर मिलकर डिसाइड करेंगे. अच्छा तो मैं नोट कर लेता हूँ जी. अब से कोई बच्चा खुले में नहीं जाएगा. ये विद्यालय है, शौच के लिए शौचालय होता है, जो हक है बच्चों का, और वो हक हम मिलकर देंगे उन्हें. यहाँ साफ सुथरे टॉयलेट्स होंगे अलग अलग, मतलब बालक बालिका साफ लिखा होना चाहिए. और खूबसूरती से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना होगा ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक कारगर रहें, साफ रहें. स्कूल में फुल टाइम स्वीपर हो ना हो, बच्चे भी सफाई का ध्यान रखें क्योंकि सफाई की आदत डालनी है उन्हें. एक भी बच्ची का एक भी स्कूल का दिन इसलिए बेकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है. उन जरूरी दिनों में पैड्स बदलने की जगह या गंदे कपड़े बदलने की जगह, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा पैड्स, डस्टबिन वगैरह, ये सुविधाएं नहीं है. ये हक है हर बच्ची का और आज से ये हमारी जिम्मेदारी है. प्रिंसिपल साहब यहाँ एक वॉशिंग स्टेशन होगा, यहाँ रोज 10 से 15 बच्चे एक साथ हाथ धोएंगे साबुन से हर मिड डे मील से पहले. इसके बावजूद अगर कोई बच्चा गंदे हाथों से खाना खा लेता है और उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो ये ना सिर्फ आपके हमारे बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत शर्म की बात होगी. कपूर साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, रोटरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे हम. सॉरी एक्सक्यूज मी. कपूर साहब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर छोटा मो बड़ी बात, ये क्या पंगा ले रहे हैं आप, जरा नजर घुमा के देखिए. ये देहात है कपूर साहब, सरकारी स्कूल है ये, कॉन्वेंट नहीं है. कितना दिमाग मारेंगे आप. क्यों मैडम, 200 स्कूलों का टारगेट है हमारा, एक ही स्कूल में इतनी एनर्जी लगा लेंगे तो हो लिया ये विंस का प्रोजेक्ट पूरा. मेरी मानिए बेसिक सेटअप खड़ा करते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से. 2-4 दिन ड्रामा होगा फिर सब धर्रे पे आ जाएंगे अपने अपने, कुछ नहीं बदलने वाला यहाँ. आपने पोलियो का नाम सुना है वर्मा जी? कैसी बात करती हैं मैडम, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं उसमें, बड़ी गंदी बीमारी होती है. करेक्ट वर्मा जी, पर बीमारी होती है नहीं, होती थी. हमने देश से पोलियो को धो डाला, अब तो सिर्फ हाथ धुलवाने हैं. सबके हाथ धुलवाना आसान नहीं होगा पर बच्चों से हाथ धो बैठने जितना मुश्किल कुछ नहीं होता. हर धुला हाथ एक जिंदगी बचा सकता है और अगर इसकी शुरुआत स्कूल से हो तो करोड़ों. भारत सरकार, राज्य सरकारें और यूनिसेफ विंस की मशीनरी पे काम कर रहे हैं. इस मशीन को सिर्फ एक और पुर्जे की जरूरत है, आपकी.
issued in public interest by Rotary Club of Ghaziabad. What you just saw was not just a film. It was a symbol of our commitment to save millions of children. And if you believe that we can make a difference, then share this film with our fellow Rotarians and friends by saying, Rotary wins now. And when we say that, we commit to it. Rotary wins now. Thanks a lot, friends.